थोड़ा बहुत फ्रेश अप हो लेंगे आधे एक घंटा में, एंड देन ज्यादा कुछ घूम नहीं सकते अभी, गुप्तेश्वर की वही जाएंगे हम लोग, दैट्स अबाउट इट। द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 3:50 PM। हम लोग वो पैराग्लाइडिंग का जो कंपनी था, दोस गाइस ड्रॉप्ड अस एट द होटल। राजन भाई जो कि हमारा ड्राइवर था, राजन भाई को मैंने अपना कैमरा बैग दे दिया था एंड ही ब्रॉट दैट कैमरा बैग टू द होटल। जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हो, हम लोग पैराग्लाइड करके फ्यूआ लेक के बैंक्स पे उतर गए एंड वी आर फाइनली डन रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द गुप्तेश्वर केव। जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका, पोखरा में एक दिन दो दिन रह के मैंने गलती कर दिया। आई शुड हैव स्टेड हियर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days। देयर आर हेल लॉट ऑफ प्लेसेस टू रोम अराउंड इन पोखरा एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डे। पोखरा में मुझे ज़्यादातर फॉरेनर्स ही दिखे, मतलब इंडियन टूरिस्ट और बाकी टूरिस्ट छोड़ के फॉरेनर्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा है पोखरा में। ये टू द राइट वी हैव द लेक फ्यूआ। ओके, ईस्ट आवर डेस्टिनेशन। देर तो हो गया, मतलब पैराग्लाइडिंग करते करते काफ़ी टाइम चला गया, सब बंद होने वाले 5 बजे तक एंड द टाइम राइट नाउ इज 4:37। वी हैव अराउंड 20 मिनट्स टू विजिट बोथ दिस प्लेसेस एंड दिस इज़ द एंट्री टू द गुप्तेश्वर महादेव केव। जल्दी जल्दी घूमना पड़ेगा ताकि हम देवीज फॉल भी देख ले, जस्ट 20 मीटर फ्रॉम हियर। बैड लक, इट हैज़ बिन क्लोज 11 AM टुडे। ओके, थोड़ा सा नीचे जाके पास से देख तो ले जितना भी देखना मुमकिन हो। सी दैट्स द गुप्तेश्वर केव डाउन हियर। वी आर आउट ऑफ लक बट दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट आई कुड शो यू। केव जैसा है अंदर, आप देख सकते हो प्रोबली। हाँ, इफ यू गो डाउन और भी कुछ है बट दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम गोइंग। चलो लेट्स विजिट देवीज फॉल। देवीज फॉल इट इज द लास्ट प्लेस इन पोखरा। Can listen to the sound of the waves, of the water falling rather, not the waves. देवीज फॉल्स या पोखरा में भी इट्स टू हॉट। आई एम जस्ट वेयरिंग ए प्लेन नॉर्मल कॉटन टी शर्ट एंड आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। सो दैट वाज ऑल यू कैन सी एट देवीज फॉल्स, नथिंग मच। बट हाँ, अगर यहाँ पे ड्रोन चलाने का मौका मिलता देन द शॉट्स वुड हैव बीन ऑसम। तो आई डिड नॉट टेक द रिस्क। क्या फ़ायदा, एक बार ड्रोन खो जाए तो बाकी के व्लॉग्स में आपको ही ड्रोन का शॉट्स नहीं दिखेंगे। ये वक्त तुम शॉपिंग करो, बांग्ला ही रख लो, जाओ बोलो आशा आशा देखी বাঙালি জানেন। তোমার কিছু নিতে মন আছে? না, তুমি তো কিছু নিলেই না। দিলেই না। বাহ, রাগ দেখেছো, রাগ। इस बार थिंग्स आर ए बिट डिफरेंट नाउ। मेरा सामने वाला सीट छीन लिया गया मुझसे। देवीज फॉल्स इज डन, वी आर हेडिंग बैक टू द होटल राइट नाउ। बाहर कुछ खाना के लिए निकलेंगे क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक वी हैड नथिंग। वी वर एक्चुअली हेडिंग बैक टू द होटल बट देन सोचा कि लेक फ्यूआ के सामने से सनसेट देख के ही चलते हैं। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं हमने, फिर भी लेट्स एंजॉय। Thank you.
done with the wonderful sunset. And now, finally, we are heading back to our hotel. And we are going to go to have some food. Probably at the same place that we were yesterday. Back to our hotel, saman wagera rakke fir se chalenge to the lakeside. Leaving the hotel once again for the last dinner at Pokhara. Yeah, we are going the same way today also. Wahi restaurant pe hum log jaane wale ya kahin aur? I'm not sure. Let's see. Aaj kafi jaldi aaye hue hain hum log lakeside pe. I mean, we went back from the lakeside to the hotel. Puchka. Puchka khabe? Khabar khabo. Rate dinner. ঠিক আছে না আগে পুষ্টা খেয়ে যাই লেটস চেক আউট সাম আদার রেস্টুরেন্ট দ্য ভিউ স্টিল ইজ সো ওয়ান্ডারফুল I will be missing this Fiwa lakeside and this candlelight dinners with her. Obviously, Kolkata has some wonderful places, but then, aise lakeside mein, namas view ke samne and a candlelight, all of that punched in together makes a wonderful, lovely dinner. Just by the lakeside in Pokhara. Crystal Palace se seedha hi aake jo kal aapko dikhaya. But the problem here is that they don't take feedback about their food. For example, abhi maine jaise jo waiter tha usko maine kaha the steak was not good. She was like, this is how it's done here. I mean, that's the kind of response you get here. So haan, soch samajh ke dekh ke try karna, experiment karna. I was here for like 2 days only and इस बीच में इतना ही आपको बता सकता हूँ मैं वॉट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड नाउ आई एम जस्ट हेडिंग बैक टू माई होटल रूम आई नीड टू पैक अप स्टफ्स एंड गेट रेडी ओके सो डन विथ नेपाल दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू से गुड नाइट फ्रॉम नेपाल कल रात तक तो हम लोग पहुँच चुके होंगे रक्सौल विच वुड बी इन इंडिया दैट इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट अगर बॉर्डर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ तो दैट्स अबाउट इट गाइज आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ व्लॉग आई होप यू एन्जॉय द होल सीरीज दिस वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज नॉट ऑन ए मोटरसाइकिल बट इन अ डिफरेंट वे विद फैमिली दैट्स अबाउट इट गुड नाइट एंड इफ यू लाइक ऑल द वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन थैंक्स फॉर वॉचिंग